नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को इंदौर में एक साथ कई सौगातों का किया शुभारंभ। शहर के लालबाग क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार से जुड़ी सवारी का किया शुभारंभ। ग्रामीण क्षेत्र से की गई बड़ी स्वास्थ्य सेवा संजीवनी का शुभारंभ। इसी के साथ अन्य कार्यक्रमों में भी लिया हिस्सा। ट्रेजर आइलैंड की दुकानों पर अवैध कब्जा, संचालकों ने की कब्जे की कोशिश। तुकोगंज पुलिस पर कब्जा दिलाने का आरोप, न्यायालय के स्टे का पालन नहीं। करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाने का मामला। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को इंदौर में एक साथ अनेक सौगातों का शुभारंभ किया। इसके तहत शहर के लालबाग में महिलाओं के रोजगार से जुड़ी बड़ी योजना का शुभारंभ करने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में भी बढ़ोतरी के लिए संजीवनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों हो गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री का एक बार फिर इंदौर आगमन हुआ। इस दौरान दोपहर में इंदौर शहर के लालबाग पैलेस स्थित प्रांगण में महिलाओं के रोजगार से जुड़ी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सवारी का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा संचालित की जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से महिलाओं को रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंच से ही इस योजना का शुभारंभ किया। तो लीजिए, ई रिक्शा में बैठकर हमारे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यानी इतना अच्छा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और सर का मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। किस तरह आप लोगों के साथ काम करेंगे और कैसे कंधे से कंधा मिला के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, यानी ऐसा लग ही नहीं रहा है। मेरे जिसने पहनी है और मुझे एक बहुत सहयोग मिला मुझे मुख्यमंत्री जी से। मेरा रूड है गोई नगर से, तो अपना रोबर्ट चौराहे तक का रहेगा, मेरा घर उधर ही है पास में, तो उधर का लूंगी मैं। आयोजन के अवसर पर मंत्री तुलसी सिलावट सहित अन्य मंत्रीगण और कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा है वह करके दिखाया है। प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए भी काफी अच्छा माहौल तैयार किया गया है। यही वजह है कि आज बाहर के कई उद्योगपति पीथमपुर, इंदौर सहित अन्य जगह अपने उद्योग स्थापित करने में रुचि दिखा रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में सरकार भरपूर काम कर रही है, लेकिन स्वरोजगार के क्षेत्र में भी हमें कदम आगे बढ़ाने होंगे ताकि अधिक से अधिक लोग रोजगार से जुड़ सके। इसीलिए स्वरोजगार योजना के तहत ई रिक्शा की इस योजना को लागू किया गया है। इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर कई मामलों को लेकर प्रहार भी किए। इतनी आवश्यकता होगी इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, ये ई रिक्शा छोड़ो। कमलनाथ जी, आप इस कार्यक्रम से निवृत्त होने के बाद मुख्यमंत्री डेली कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं शाम 6 बजे ब्रिलियंट एग्जीबिशन सेंटर में रोटरी क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 7:45 बजे निपानिया में संजीवनी क्लिनिक का लोकार्पण भी किया। जय श्रीमान सम्मान गार्ड, आपके नायक श्रृंगले हाजिर है श्रीमान। जय श्रीमान। For the ceremony, it is only for students. If you could wait here, please. Thank you. Very good. How long did it take you? How much this one? Thank you. Very good.
Good evening, sir. Junko, yeah. If we're lying in junk, then we made it all right. Yeah. Don't have to explain. Okay. You know what you should do? Is get one of the regional manufacturers to do this under CS. I take no money. You know, we'll be happy to do it. They'll bring the engines. They'll teach them how it works. They cut the engine in half. They cut up the engine in half. You tell me, I'll talk to them. I'll tell them. Yeah, they can then come and you know. Bring their thing now. And keep it here as a permanent exhibit. I'll use your name now. Yeah. Definitely. Just show a bit of hydraulic press. No, I haven't. I could read you. Sir, थोड़ा आपकी जगह दे दो हमें. I know. शनिवार को मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रदेश में माफिया राज किसी भी सूरत में पनप नहीं पाएगा, हम इसे पैदा ही नहीं होने देंगे। वहीं रोजगार के मामले में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में रोजगार के सर्वाधिक अवसर पैदा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ये योजना केवल महिलाओं के लिए है, ये केवल एक रोजगार की योजना नहीं है अपितु महिला सशक्तिकरण की योजना है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में जितने ई रिक्शा की आवश्यकता होगी महिलाओं को वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के विकास के लिए हमें एक नया नक्शा बनाना है। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं है? हमारे नई पीढ़ी की, हमारे नौजवानों की, भविष्य की चुनौती। आज का भटकता हुआ नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, हमारे देश का निर्माण करेगा भविष्य में, उस नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो वो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? यह आज सबसे बड़ी चुनौती है, हमारी कृषि क्षेत्र की चुनौती। 70% हमारे मध्य प्रदेश के लोग का जीवन जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र से, किसान नहीं है। अगर इंदौर के बाजारों में रोशनी है। मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेश हो। ये कैसा होगा ये प्रशासन को तय करना है। निर्भया केस में आरोपियों की फांसी पर कहा कि जो कानूनी प्रक्रिया है वह होनी चाहिए। छोड़ो छोड़ो, छोड़ो कमलनाथ जी, आपने सुरक्षा की बात की है कि प्रदेश को जो है सुरक्षित भी किया जाएगा, किस तरह का एक्शन प्लान होगा? ये मैं तो लक्ष्य ही बता सकता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेश हो, सर इंदौर एक सुरक्षित प्रदेश हो। अभी निर्भया मामले में जो है फांसी की सजा हो गई है, क्या कहेंगे? राष्ट्रपति जी ने भी कह दिया है कि उन्हें फांसी दी। जो कानूनी कार्रवाई है होनी चाहिए, इसमें क्या शक है? सर माफिया दिखा दो, थोड़ा नीचे करो यार, मेरा आईडी दबा। शासन तय करेगा, मैंने लक्ष्य बना लिया। असुरक्षित वातावरण कहीं भी टॉलरेट नहीं किया जाए। सर आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए और क्या सौगात होगी? सर अब होगी, घोषणा नहीं करता। प्रदेश में माफिया राज खत्म करने को लेकर कहा कि इसे भी प्रशासन को तय करना है। मेरा लक्ष्य है कि प्रदेश की जनता को सुरक्षित वातावरण मिले, असुरक्षित वातावरण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए आने वाले समय में और भी काम होंगे, लेकिन मैं इसकी घोषणा नहीं करता। और अब खबर जरा कुछ अलग हटके। इन दिनों हैदराबाद, मध्य प्रदेश सहित अन्य शहरों की दुष्कर्म से जुड़ी खबरें कुछ ज्यादा ही आक्रोश व्याप्त कर रही है। शायद इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े यदि हर बेटी खुद सक्षम हो जाए। जहां 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट में आम नागरिकों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। इन दिनों दुष्कर्मियों के खिलाफ लोगों में जमकर आक्रोश व्याप्त हो रहा है। हैदराबाद की घटना के बाद अब आरोपी कहीं भी सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा ही एक मामला शनिवार को महू कोर्ट में देखा गया। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि एक अकेली लड़की कहीं भी असुरक्षित नहीं है। यदि उसमें हिम्मत है तो बड़े से बड़े अपराधी को भी वह पल भर में सबक सिखा सकती है।
केंद्र ने देश के 15,579 थानों में टॉप 10 स्थानों की सूची जारी की है। विगत दिवस इन थानों के इंचार्ज को दिल्ली में सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि टॉप 10 थानों में अंडमान का थाना नंबर 1 है, वहीं गुजरात का बालासिनोर दूसरे और मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति जनजाति बुरहानपुर थाना तीसरे नंबर पर है। तमिलनाडु, अरुणाचल, दिल्ली, तेलंगाना, गोवा, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश का भरगामा थाना भी टॉप 10 में है। इंस्पेक्टर आदम जाति कल्याण बुरहानपुर पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर थाना प्रभारी श्री प्रकाश चंद्र जयराम पांड्या इंस्पेक्टर बालासिनोर पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट महीसागर गुजरात। और पहले स्थान पर श्री संजय कुमार इंस्पेक्टर एबरडीन पुलिस स्टेशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए दोपहर न्यूज। हर तरह की मानसिक और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के महान मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित साइकोथेरेपी अब इंदौर में। साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, एक दवा रहित समाधान। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। मानसिक तनाव, काम में मन नहीं लगना, उदासी, अनिद्रा, अत्यधिक विचार, चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी, अचानक तेज घबराहट, शंका या अजीब व्यवहार, बच्चों में सभी तरह की मानसिक, व्यावहारिक और पढ़ाई संबंधी समस्याएं, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्लो लर्निंग, याददाश्त और एकाग्रता में कमी, नशा, मानसिक दौरा, हिस्टीरिया, कोई एक विचार या व्यवहार बार बार करना, लोगों से बात करने में दिक्कत महसूस करना, गंभीर शारीरिक बीमारियों की चिंता, मनोदैहिक समस्याएं, आत्महत्या के विचार आना, प्रेम और वैवाहिक समस्याएं, लंबे समय से साइकेट्रिक दवाइयों का सेवन। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित है तो एक दवा रहित समाधान द्वारा इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। परामर्श के लिए संपर्क करें डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, समर्थ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर। पता, पहली मंजिल हेरिटेज बिल्डिंग, हुकुमचंद घटाघर के सामने, MG रोड, इंदौर। मोबाइल नंबर 9300910036 8269 4297 37। पूर्व समय लेकर आए। क्या आप झाइया, काले दाग, दाग खाज, खुजली और अन्य चर्म रोगों या फिर कमर, घुटना, एड़ी और नसों के असहनीय दर्द से परेशान हैं? तो आपकी सभी परेशानियों का हल है डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक। जी हाँ, यहाँ आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक पद्धति से योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक, पता जेल रोड, शॉप नंबर 4, नूतन स्कूल के पास, गणेश मंडल के सामने, इंदौर। मोबाइल 9981106104। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का, तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और DSP बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को PSC में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। 888-93-0073। बुलेटिन में अब रुक करते हैं अन्य शहरों से जुड़ी खबरों। बच्चों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन कई तरह के जतन करने के साथ ही शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं की लापरवाही के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सरकारी स्कूलों में बच्चों के शिक्षा में गुणवत्ता लाने के आज पूरे मध्य प्रदेश में कॉपी चेकिंग अभियान चलाया गया था।
और इस अभियान में कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा अलग अलग टीम गठित की गई थी ताकि शालाओं में शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा कराई जा रही पढ़ाई की वास्तविकता जांच सके। इसी के चलते जब दोपहर न्यूज की टीम द्वारा इच्छावर जनपद शिक्षा केंद्र के तहत आने वाली स्कूल कांकरखेड़ा में स्थित शासकीय प्रोन्नत प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया तो वहां के बच्चों द्वारा किसी भी विषयों की कॉपी नहीं बनाई गई और न ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कक्षा अध्यापक मनीता जोशी को ही नहीं मालूम कि बच्चों की संख्या कितनी है। क्या नाम है मैम? सर श्रीमती मनीता जोशी। कहाँ पढ़ाते हो? इंदिरा नगर शासकीय प्राइमरी शाला इंदिरा नगर कांकरखेड़ा PS। ये आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं? सर ये तीसरी और चौथी मिक्स बैठी हैं। तीसरी चौथी में टोटल बच्चे कितने हैं? सर तीसरी में तो 12 बच्चे हैं, चौथी में अच्छा दूसरा ये है कि यहाँ इन बच्चों के पास सब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनी है और अगर एक आध सब्जेक्ट के बनी है तो वो भी उसमें एक पार्ट लिखा वो भी चेक नहीं है, उस पर साइन नहीं है, तारीख नहीं सर, है सर वो एक ही बच्चे की है नहीं, एक बच्चे की और भी दो तीन बच्चे ऐसे हैं जिनके कॉपियों पे साइन नहीं है, उनने कॉपी पूरे सब्जेक्ट आते हैं लिखवा देते हैं ऐसे हम तो कॉपी तो बनाना चाहिए ना, कॉपी तो उनकी है ही नहीं। कॉपियाँ तो हैं सर। कॉपियाँ हैं कहाँ? हमने अभी देखे आपके सामने कॉपियाँ ही नहीं। गणित का नहीं लिखवाया है? इधर नहीं है गणित का, क्यों नहीं करवाया? गणित की नहीं है, पर्यावरण की कॉपी नहीं है। भी है वो एक दो बच्चों के पास जाके आ जाए नहीं है। क्या नाम है? समरी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी। चौथी में कितने सब्जेक्ट होते हैं? चार। कौन कौन से होते हैं? हिंदी, पर्यावरण, गणित, अंग्रेजी। आपके चारों सब्जेक्ट की कॉपी कहाँ है? मैडम हमारी तो घूम रही है, तो स्कूल में आप लेकर आ रही कॉपियाँ घूम गई। हाँ, अच्छा बेटा ये बताओ जो है आपके शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? आए? अच्छा आपके जिले का कलेक्टर कौन है? अजय कुमार। और शिक्षा मंत्री? दोबार न्यूज के लिए सीहोर से अनिल मालवीय की रिपोर्ट। हरदा जिले के खिरकिया नगर के शासकीय हॉस्पिटल में शुक्रवार को डॉक्टरों व कर्मचारियों ने अचानक हड़ताल कर दी जिससे मरीजों को दिन भर परेशान होना पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मरीजों को घर वापस जाना पड़ा। दोपहर को CMHO प्रदीप मोजेश के कहने पर हड़ताल खत्म की। करवाने के लिए आए थे जी हाँ। तो इलाज हुआ आपका? नहीं हो पाया, मैं चारुआ से आया हूँ, 10 किलोमीटर दूर से। मेरे बेटे को अभी मंगलवार के दिन टीका लगा था चारुआ में, तो पैर में तकलीफ उसको बरकरार है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। यहाँ आके पता लगा कि यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिरकिया के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है, अभी मेरे को फिर वापस जाना पड़ेगा। डॉक्टरों की कमी को शासन के द्वारा पूरा किया जाए। 8 डॉक्टरों का काम हम 2 डॉक्टर मिलकर कर रहे हैं और उसमें 24 घंटे हमें ड्यूटी करना पड़ती है और 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी हमारे डॉक्टर्स की और कर्मचारियों की कम कर्मचारियों के होते हुए भी हम कर्मचारियों से अधिक काम लेते हैं और उन्हें अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट करके बुलाते हैं ताकि शासन का के द्वारा जो कार्य दिया जाता है उसे भी संपादित सही ढंग से किया जा सके एवं अस्पताल में सुचारू रूप से कार्य किया चलाया जा सके। कम कर्मचारियों और कम डॉक्टरों के बावजूद हमारे साथ में ये गलत व्यवहार किया जा रहा है। कल इसी श्रेणी में इसी क्रम में श्रीमान नायब तहसीलदार द्वारा चिकित्सकों की उपस्थिति में और स्टाफ की उपस्थिति में बिना उनसे BMO महोदय और बिना मेरे पूछे उन्होंने मनमर्जी से अनुपस्थिति लगा दी जिससे कर्मचारियों में और हमें मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा और ये गलत चीज़ है। इस तरह से नायब तहसीलदार महोदय को ऐसे नहीं करना चाहिए था, बिना जानकारी ली और बिना सूचना के वो आए एवं उन्होंने इस तरह की। हरदा से दोपहर न्यूज के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देख रहिए दोपहर न्यूज। नमस्कार।
हर तरह की मानसिक और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के महान मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित साइकोथेरेपी अब इंदौर में। साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, एक दवा रहित समाधान। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। मानसिक तनाव, काम में मन नहीं लगना, उदासी, अनिद्रा, अत्यधिक विचार, चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी, अचानक तेज घबराहट, शंका या अजीब व्यवहार, बच्चों में सभी तरह की मानसिक, व्यावहारिक और पढ़ाई संबंधी समस्याएं, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्लो लर्निंग, याददाश्त और एकाग्रता में कमी, नशा, मानसिक दौरा, हिस्टीरिया, कोई एक विचार या व्यवहार बार बार करना, लोगों से बात करने में दिक्कत महसूस करना, गंभीर शारीरिक बीमारियों की चिंता, मनोदैहिक समस्याएं, आत्महत्या के विचार आना, प्रेम और वैवाहिक समस्याएं, लंबे समय से साइकेट्रिक दवाइयों का सेवन। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित है तो एक दवा रहित समाधान द्वारा इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। परामर्श के लिए संपर्क करें डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, समर्थ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर। पता, पहली मंजिल हेरिटेज बिल्डिंग, हुकुमचंद घटाघर के सामने, MG रोड, इंदौर। मोबाइल नंबर 9300910036, 8269429737। पूर्व समय लेकर आए। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का। तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और DSP बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को PSC में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है।